स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रामचरितमानस पर सवाल उठाना एक पार्टी और दो नेताओं को बहुत महंगा पड़ सकता है। कुछ घंटे में ही अखिलेश यादव अब कृष्ण भक्त बनते दिख रहे हैं। इस वक्त उनकी पूरी पार्टी जाति के नाम पर आपस में ही बटी हुई दिख रही है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता जिनके सरनेम तिवारी हैं, पांडे हैं, सिंह हैं, राय हैं, वो अब खुलकर विरोध पर उतर आए हैं। मानस का अपमान उन्हें मंजूर नहीं है। क्या अखिलेश ने 2023 में वैसी ही गलती कर दी है जो उन्होंने 2014 से पहले, 2019 से पहले और 2022 से पहले की थी? जाति के नाम पर चुनाव लड़ने में नफा कितना होगा और नुकसान कितना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगड़ा भी ना मिले और पिछड़ा भी हाथ से चला जाए? यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का मतलब है 80 लोकसभा सीटें और देश का सबसे बड़ा राज्य। यूपी में इस वक्त कितना धर्म चल रहा है और कौन सा मामला गर्म चल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको स्पष्ट तौर से समझाते हैं। क्या 24 के चुनाव का फोकल पॉइंट हिंदू वोट बैंक होगा? कुछ सैंपल्स देखिए। शूद्र, दलित, ओबीसी, विश्वकर्मा, रामचरितमानस, तुलसीदास, पिछले कुछ दिनों से सियासत की धुरी इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में यही सारे शब्द हैं। मानस को लेकर जो महाभारत शुरू हुई उसके ओपनर तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, लेकिन अब अखिलेश फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीठ से आते हैं जहां पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे और प्रदेश और देश की जनता को बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर 43 सेकंड का यह वीडियो डाला है, इसे बहुत गौर से देखिए और सुनिए। अब पूरा टेम्पलेट बदल चुका है। अखिलेश यादव भगवान राम का विरोध कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के भजन सुन रहे हैं। अब आगे समझिए कि यह कहानी कहां जा रही है। अखिलेश यादव का फोकस दो तरफ है, ओबीसी और दलित। वो इन्हीं को लेकर 24 का जाल बुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी पोस्टर चिपका रही है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अखिलेश लगातार पिछड़ा दलित कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश का दांव उल्टा पड़ गया। उनकी पार्टी में अब इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, पार्टी की दूसरी प्रवक्ता ऋचा सिंह, पार्टी की तीसरी प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा, पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और पार्टी के एक और प्रवक्ता राजीव राय, इन सब ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है। इनमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी और भूमिहार भी, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के अग्रणी नेता हैं। रोली तिवारी हर रोज ट्वीट कर रही हैं। वो सनातन के स्वाभिमान और मानस के सम्मान की बात करती हैं। कहती हैं, मैं अपने ही दल में अकेली पड़ गई। ऋचा सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य को छद्म समाजवादी कहती हैं। जूही सिंह और राजीव राय भी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन रोली तिवारी इन सब में सबसे ज्यादा वोकल है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी असुर कहती है, कभी कायर कहती है। अखिलेश यादव ने रोली तिवारी को पार्टी का प्रवक्ता बनाया था, लेकिन अब वो रोली के नाम से चिढ़ जाते हैं। तो शूद्र को लेकर आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं। तो मैं तो कुछ स्वर है, इसीलिए रोली तिवारी ने कहा कि राष्ट्र का लगाइए। अरे भाई, किसका नाम लेते हो आप? भाई आप बाइस्ड हो मत, ये बड़ा सवाल है। देखो पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है।
कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। हिंदुत्व वर्सेस जाति पॉलिटिक्स क्या दिखते सर? नहीं नहीं देखो ये मत बोला करो, नहीं इसको इस तरह की भाषा नहीं बोला करो। नहीं 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 ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ये संविधान हमारा धर्म है, संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कोशिश की जाति खत्म हो जाए, डॉक्टर रामलाल लोहिया जी ने कोशिश की जातियां खत्म हो जाए, नेताजी कोशिश करते रहे कि जातियों का भेदभाव नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें सच्चाइयां स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आज अगर किसी जाति का हूँ, मैं अपने बेटे को दूसरी जाति का नहीं बना सकता, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ सवाल बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए, जो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि शूद्र कौन है, वो डिफाइन करेंगे। अखिलेश यादव का एजेंडा तो पहले ही क्लियर था, उन्हें इस वक्त सिर्फ 24 का चुनाव नजर आ रहा है। पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके अपनी चाल चल रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ गए। लेकिन मायावती तो अब तक पर्दे के पीछे थी, अब उनकी भी एंट्री हो गई है। मायावती ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठा दिए हैं। यह कंट्रोवर्सी शुरू हुई उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसका विस्तार अब बिहार तक है। 24 का कॉम्बिनेशन धर्म के नाम पर बन रहा है और नजर लोकसभा की 120 सीटों पर है। यूपी की 80, बिहार की 40, कुल मिलाकर 120 सीटें। इसीलिए बिहार में तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है उसमें कुछ छिपना छिपाना भी नहीं है। जो मौर्य हैं यूपी में उनको धमकी मिल रही हो मारने की, ये लोग कौन लोग? ये लोग वही लोग हैं जो देश में धर्म के नाम पर चर्चा करा करके देश को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है कि जो देश में जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उन सबको 2024 में देश के गद्दी से उतारने का काम करें। यूपी से लेकर बिहार तक जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, टेम्पलेट एक है और एजेंडा भी एक है। जो यूपी में हो रहा है वही बिहार में चल रहा है। यूपी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाया, शूद्र शब्द को दलितों के अपमान से जोड़ा, फिर अखिलेश यादव ने उसे सपोर्ट किया। बिहार में वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को देश को बांटने वाला ग्रंथ बताया, अब तेजस्वी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम पूछना चाहते हैं ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग जो चंद लोग हैं अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलते हैं, यही है ना? तो ये बनाने वाले कौन है? और आप समझिए कि हम लोग संविधान से चलते हैं, देश का अगर सबसे कोई पवित्र किताब है तो वो देश का संविधान है, और संविधान हर एक व्यक्ति को सबको बराबर के नजरिए से देखता है, सब लोग जो है बराबर है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो ये तो संविधान का विरोधी वाली बात है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो ऐसी बातें पर जो है भाजपा जो है चर्चा कराती है, एजेंडा जो है इस पे जो है चलाने का काम करती है। कुछ लोग जो कथा कथित है हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथा कथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है भी? अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये दोनों उसी पार्टी से आते हैं जिनके लिए हमेशा से MY फैक्टर सबसे बड़ा रहा है, लेकिन आजकल ये दोनों हिंदू हिंदू की रट लगा रहे हैं। तेजस्वी ने मंच से लंबा चौड़ा भाषण दिया, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, बराबरी और संविधान सबका जिक्र किया, लेकिन नोट करने वाली बात सिर्फ एक थी,
जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलते हैं। यही बात तेजस्वी के पोडियम पर बिल्कुल आगे आगे लिखी थी, उसमें साफ साफ लिखा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। जैसे यूपी के चुनाव में 80-20 वाला फॉर्मूला आया था, वैसे ही बिहार में तेजस्वी ने 90-10 वाला फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले के जरिए तेजस्वी 24 के चुनाव को बिहार में अगड़ा बनाम पिछड़ा करना चाहते हैं। मोदी के विरोधी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास को एक साथ जोड़कर ऐसा किला बनाया गया था जिसने जात पात की सियासत को खत्म कर दिया था। इसीलिए अब एक बार फिर से मोदी के सामने उसी दीवार को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। बिहार की आबादी में सवर्ण वोट 14.5% है, ओबीसी 31% है, अति पिछड़ा 21, दलित 16 और अन्य का वोट बैंक 17.5% है। यही वजह है कि मोदी विरोधी अब 90-10 वाली बात करने लगे हैं। लेकिन यूपी का सिनेरियो भी ज्यादा अलग नहीं है। यूपी में भी ओबीसी और दलित वोट बैंक चुनाव में काफी अहमियत रखते हैं। यूपी में सवर्ण वोट 19% है, ओबीसी 43, दलित 21 और अन्य 17% है। यूपी में ओबीसी वोटर हमेशा से समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन यादवों को छोड़कर दूसरे ओबीसी वोटर्स अब बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यूपी में हिंदू को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहां काय भेदभाव करें हम? संविधान ने कहां काय के धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर रामन लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिलने हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% यादव, 53% कुर्मी और 60% अन्य ओबीसी वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को 23% यादव वोट, 80% कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी वोट मिले। यानी 2012 से 2019 तक बीजेपी के खाते में अन्य ओबीसी के वोट शेयर करीब 4 गुना बढ़ गए। ये आंकड़े अखिलेश यादव भी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, इसीलिए सारा फोकस ओबीसी पर है। रामचरितमानस तो बहाना है, 24 का चुनाव ही विरोधियों का निशाना है। जब भी हम उत्तर प्रदेश के विकास के किसी कार्यक्रम को, बृहद योजना को लेकर आते हैं, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के कंट्रोवर्सी को सामने लेकर के आती है। विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है जिससे विकास के एजेंडे को डाइल्यूट किया जा सके। इसके पीछे कोई हेतु, किसी का हित और अहित नहीं है। इसके पीछे प्रदेश का अहित करना है कि विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान हटाने की एक चेष्टा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी विकास तो किया नहीं, विकास किया उसका कोई एजेंडा भी नहीं था। और जब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, दंगा कराने की सारी साजिशें समाप्त हो चुकी हैं, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की के परिणाम देख चुके हैं, तो अब फिर वही जातीय वैमनस्यता पैदा करके जहर घोलने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी अब उस दिशा में आग सफल नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता उनको 14 में, 17 में, 19 में और 22 में जवाब दे चुकी है और फिर 24 में उस प्रकार का जवाब देने को तैयार है। यूपी में सारा बखेड़ा अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया, लेकिन न स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने को तैयार हैं, न ही अखिलेश यादव मानने को तैयार हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करके बीजेपी से पूछ रहे हैं कि क्या पिछड़े और दलित सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं, उसके बाद बीजेपी के लिए इस वर्ग की कोई अहमियत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदिवासी, दलित, पिछड़ा,
सबको मिलाकर 97% वाला कैलकुलेशन दिखा दिया और साथ साथ आरएसएस के लीडर दत्तात्रेय होसबोले पर भी निशाना साधा। उन्हें होसबोले की जगह हसबोले लिख दिया और पूछा कि क्या गौमांस खाने वालों को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने जयपुर में कहा था कि जिसने कभी मजबूरी में गौमांस खा लिया हो उनकी भी घर वापसी हो सकती है। भारत में कितनी जनजातियां हैं? 600 से अधिक, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वांचल में, मध्य भारत में, वहां के जनजातियों अलग अलग है। हम हिंदू नहीं है, कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहलाने का उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने, लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को शंकराचार्यों को समझाया, ठीक है वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक की भी चिंता है, इसलिए वो उस फ्रंट पर भी बीजेपी को माइलेज नहीं लेना देना चाहती। लेकिन अभी तो सवाल ओबीसी और दलित वोट बैंक का है। अखिलेश यादव खुद को शूद्र बताकर दलितों पर भी डोरे डाल रहे हैं। मायावती ने जब ये देखा तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी टारगेट किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी और ये भी कह दिया कि दलित की बेटी पर हमला करने वाले अपने गिरेबा में झांक लें। अखिलेश से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने बीजेपी को लपेट लिया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ का है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर रामनो लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिलने हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। गेस्ट हाउस कांड वाली जिस बात पर अखिलेश कुछ नहीं बोले उसका जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। रही बात 1995 की घटना का, तो वो तो बात उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। तो गठबंधन में मुहर लगी तो पुरानी बात अपने आप खत्म हुई और फिर आज तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में है भी नहीं और उनके रहते रहते आपने इस बात को खत्म कर दिया, यहां तक कि गठबंधन भी किया। एक मंच पर मानिया बहन जी और श्री अखिलेश यादव जी ने संयुक्त रूप से सभा को भी संबोधित किया, एक जगह नहीं अनेक जगह किया। आखिर एक गिला शिकवा शिकायत थी तो गठबंधन क्यों? 24 के चुनाव में अभी करीब करीब 15 महीने का वक्त बचा है, लेकिन मानस से शुरू हुई ये महाभारत रुकने वाली नहीं है। इसके कितने चैप्टर अभी और आने हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं फायदा ही होगा। आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, हिंदू राष्ट्र। गली मोहल्ले चौराहे जहां सुनो वहां यह शब्द गूंजता रहता है। सवाल उठता है कि 100-200 लोग किसी जगह इकट्ठे होकर नारे लगाकर झंडे दिखाकर हिंदू राष्ट्र बना देंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का यही मंत्र है जो आज जंतर मंतर पर हुआ? ऐसी हरकतों से क्या हिंदू राष्ट्र की सही व्याख्या होती है? क्या इससे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है या इसे बट्टा लगता है? ऐसी उग्र भीड़, भड़काऊ भीड़ सनातन को नफा पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है? हिंदू राष्ट्र की जब जब बात होती है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उसका संदर्भ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इस अर्थ के साथ अनर्थ कौन कर रहा है?
आज इस रिपोर्ट से हम आपको हिंदू राष्ट्र की धारणा और अवधारणा दोनों समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, मैं हिंदू हूं सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। सनातन मतलब कोई अलग संप्रदाय नहीं, सनातन का मतलब सबका बाप। विदेश में हमसे एक व्यक्ति बोला कि तुम लोग राम की बात क्यों करते हो, उनका ठठरी के बने राम सबके बाप है तो अपने फादर की बात ना करें तो क्या तेरे बाप की बात करें। तो बोले कि सबके अगर बाप है तो सब लोग तो मानते नहीं, हम की ठठरी के बारे में बाप की क्या प्रॉब्लम। अब बेटा ही अपने बाप का नाम भूल जाए तो ये बेटे की प्रॉब्लम है, बाप तो बाप है। दतिया में पीताम्बरा माता की नगरी में बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बाबा बागेश्वर कह देंगे तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? छोटे छोटे दलों में आकर लगातार सनातन धर्म पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जिस प्रकार से भारतीय धर्म का झंडा बुलंद किया है वो आज आपके समक्ष है। क्या सनातन धर्म संसद बुलाकर भाषणबाजी से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? बहुत हो गया, तब तक सहे, एक बार हम सब लोगों को खड़ा होना है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले तोप बड़ो दुशासन पर, एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो, एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो। क्या जंतर मंतर पर 400 लोगों को इकट्ठा कर लेने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? रामचरित मानस को हिंदू समाज का, राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, रामचरित मानस राष्ट्र ग्रंथ हो, राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो, रामचरित मानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है या फिर ये सिर्फ जुमला है? हिंदू राष्ट्र को लेकर कौन क्या सोचता है? हिंदू राष्ट्र का असली मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पॉसिबल कितनी है? हिंदू राष्ट्र में सियासत कितनी है? ये सब बताएंगे, लेकिन पहले इनको सुनते हैं जिनकी वजह से हिंदू राष्ट्र पर बहस छिड़ी हुई है। श्रीमान ये बात बोले तो बुरी नहीं है, हमें जितना दूसरे धर्म वालों से दिक्कत नहीं है उतना अपने धर्म के गलत आचरण से दिक्कत है। श्रीमान हमें जितना मुसलमान भाई ईसाई भाइयों से दिक्कत नहीं है जितनी हमें श्रीमान अपने दोगले दो मुंह सांप के हिंदुओं से दिक्कत है। बहुत दिक्कत है हमें, बहुत दिक्कत है। इन्होंने तिलक छोड़ दिया, अरे तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हमारे ऋषियों ने तिलक दिया, रामायण दी, गीता दी, शिखा दी, माला दी, उन्हें टोपी पहनने में दिक्कत नहीं तो कल मुहा तुझे तिलक लगाने में क्यों दिक्कत फिर? अब वो हिंदू अपने बाप का नहीं जो तिलक नहीं लगाता, वो हिंदू नपुंसक है जो संतों का विरोध करता, और वो हिंदू नपुंसक है जो सनातनीय संस्कृति को आंखों देखते हुए उसका पास इतिहास परिहास करता, वो हिंदू नपुंसक है। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, कथाओं में आजकल हमें हिंदू जगाने की बहुत जरूरत है, वरना ना कल कोई कथा सुनेगा, ना कोई गुरु जानेगा, ना माता पिता जानेंगे, विदेशों जैसी पद्धति 10 साल में हो जाएगी साहब।
आप कहते कि हम दो हमारे दो बारह हों दो का दिक्कत, हम तो भाई ऐसे ही बोल रहे हैं। जंतर मंतर पर ऐसे ही 400 लोग इकट्ठे नहीं हो गए, इन सब के पीछे बाबा बागेश्वर है। हिंदू राष्ट्र का टॉनिक इन्हीं से मिला है और ये सब बाबा की प्रेरणा से प्रेरित हुए हैं। इन्हें ये कह रहे हैं, इन्हें बाबा ने नहीं भेजा है, ये खुद आए हैं। बागेश्वर धाम सरकार को जेड प्लस सुरक्षा के लिए आए हैं। जेड प्लस सुरक्षा की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि उनकी जान को खतरा है, वो हिंदू राष्ट्र मंगाएंगे ना, हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने ऐलान किया है, तो हिंदू राष्ट्र हमारे देश में होना चाहिए। जो वो अधिकार मांगना चाहते हैं वो अधिकार हम हिंदू समाज का। आपको लगता है अपमान हो रहा है हिंदू धर्म का? बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, बहुत से कटाई कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव को घेर रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए यहाँ आए हुए। संत समाज बचाने के लिए कभी भी हम लोग उनके साथ जीने में तैयार है। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसके लिए चाहे अब चाहे कभी कुछ भी होगा, सब जय सीताराम चलता रहेगा। सवाल ये है कि क्या बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में उत्प्रेरक का काम किया है, क्योंकि बात सिर्फ जंतर मंतर तक की नहीं है। पिछले 20 दिनों से बागेश्वर बाबा के समर्थन और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र के समर्थन में पोस्ट भरे पड़े हैं, सबके सेंटर में बाबा हैं। पहले देश का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान क्या कहता है, उससे समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान के अधीन भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है। मतलब देश के सबसे बड़े ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। लेकिन जिस तरह से इस पर संग्राम छिड़ा है, सियासत हो रही है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि 24 तक हिंदू राष्ट्र खूब चलेगा। पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की इस नई डिबेट में पहली बार बोला है। दिल्ली में सर धर्म संसद हुई है, दूसरा मुद्दा है, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए देश को और लगातार उस बात की वकालत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की, कई जहां से उनको जान से मारने की धमकी आ रही है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि सो मोटो हेट स्पीच पर एक्शन लीजिए। अब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर आता है केंद्र सरकार के तहत, अब नरेंद्र मोदी की सरकार इस भाषण से वो एग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो फिर वो एक्शन नहीं लेंगे, अगर डिसएग्री करते हैं तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। वो अभी भी सबक हासिल नहीं कर रहे हैं। जो नूपुर शर्मा ने कहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये ख़त्म नहीं होगा, ये हर 15 दिन महीने में इस तरह की बकवास और नफरत फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ डर फैलाना, ये चलता रहेगा, चल रहा है। मोदी सरकार उससे सबक हासिल नहीं किए। अब जब आप ही के नाक के नीचे, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? भाई संविधान में क्या इसका इस कर सकते हैं आप? जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, बाबा साहब ने कहा कि इस देश के लिए सबसे बड़ा बुरा दिन होगा, खराब होगा, जब हिंदू राज होगा यहाँ पर, और वो लोग उसकी बात कर रहे हैं। जो ओवैसी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्या वैसा ही मोहन भागवत सोचते हैं? क्या वैसा ही आरएसएस सोचती है? क्या वैसा ही योगी सोचते हैं? क्या वैसा ही मोदी सोचते हैं? क्या वैसे ही संत सोचते हैं? सबसे पहले बात योगी की करते हैं, योगी के लिए सनातन क्या है वो सुनते हैं। आपका एक स्टेटमेंट जो आजकल चर्चा में है, उस ओर आपका ध्यान ले जाता हूँ।
आपने राजस्थान अभी आप गए थे, आपने वहां पर कहा कि सनातन राष्ट्र धर्म है, इसको लेकर के खूब प्रतिक्रिया आई, लोगों ने लिखा कि जो देश के अंदर मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, क्या वो अब उसका क्या होगा, ये राष्ट्र में उसको उसके धर्म की कोई आजादी नहीं रह गई। देखिए, सनातन धर्म सबको सम्मान देता है, याद रखना। भारत का मूल धर्म जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वास्तव में धर्म सनातन ही है, बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। और याद रखना, दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब ऐसा नहीं है जिसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उसके साथ खड़े होकर के उसको सहयोग न किया हो। देश की पहली मस्जिद केरल के अंदर एक हिंदू राजा ने बनाई थी। देश के अंदर संकट के समय कौन ऐसा जाति, मत और मजहब दुनिया का आज के दिन पर है जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उनके संकट के साथ खड़े होकर के उन्हें संरक्षण न दिया हो। और हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा किसी पूजा पद्धति से नहीं की गई है। देखिए, रामायण में बहुत छोटी सी परिभाषा उसकी है, वह है, प्रसंग आता जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो मैनाक पर्वत ने कुछ देर उन्हें विश्राम करने के लिए कहा, तो उस समय सनातन धर्म पर बहस हुई, वह सनातन धर्म क्या है, तो उस समय मैनाक पर्वत ने कहा इसी बात को, कृते च प्रतिकर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन, यानी अगर किसी ने आपके प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन है। और यही हमारा सनातन धर्म है, जिसने मानवीय मूल्यों को और दुनिया की हर जाति को उसकी विपत्ति के समय, संकट के समय संरक्षण दिया। संविधान ही सच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र के बारे में योगी ने समझाया है, असल में हिंदू राष्ट्र की परिभाषा यही है, जहां सबका संरक्षण होता है, वही सनातन है जो मस्जिदें भी बचाता है, मुसलमानों को भी बचाता है, और वही सनातन धर्म है जो सबके सद्भाव की बात करता है। हम तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में लेते हैं, हमने उसको उपासना विधि के रूप में कभी नहीं लिया। उपासना विधि अलग अलग हो सकती हैं, होंगी, हैं भी, लेकिन उसकी व्यापकता को, उसको हमने एक वे ऑफ लाइफ के रूप में लिया, जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में लिया। वो अलग अलग रूप में हो सकता है, बौद्ध के रूप में हो सकता है, जैनी के रूप में हो सकता है, सिख के रूप में हो सकता है, वैदिक धर्म के रूप में हो सकता है, किसी अन्य रूप में हो सकता है। खासकर मुसलमान और क्रिश्चियन इसी पर है सवाल। सवाल यह है, क्या उनके संकट के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें यहां पे संकट के समय उनको संरक्षण नहीं दिया था क्या? कब नहीं दिया? और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन पे सेकुलर है, इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है जो हरेक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। अन्यथा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर अन्य देशों में क्या व्यवहार हो रहा है किसी भी अन्य धर्मावलंबी के साथ, जब दुनिया के अंदर तमाम ऐसे देश हैं जहां पे उनके पूरे के पूरे धर्मस्थल तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां तो कोई नहीं बोल रहा है, उदाहरण सबके सामने है, तो क्यों इस प्रकार की बातें लोग करते हैं? ये आपकी बात ठीक है, हिंदुस्तान उदार है, मैं क्या करूं उदार, क्या इसी उदारता की सजा देंगे? सुना आपने, सनातन पद्धति है, आचरण है, जिसमें सब समान है। योगी का सनातन राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऐसा है। जिन लोगों को योगी का सनातन धर्म वाला बयान चुभ रहा है, उन्हें जो परिभाषा योगी ने समझाई है, उसी चश्मे से उन्हें देखना चाहिए। जिन लोगों को योगी की बात नहीं समझ आ रही, उन्हें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सुननी चाहिए। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। चाहे योगी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी या संघ प्रमुख हो, सबकी नजर में सनातन का मतलब उसकी पद्धति है और यही सनातन की असली व्याख्या है। पर अचानक कुछ लोग ये कहते हैं, समाज को तोड़ो, डिवाइड रूल, अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब, जब तुम सब मर जाओगे, अरे अरे तुम्हारे पास क्या है जो इतनी सी चाकू है, जो सब्जी काटते हो वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला है। क्या रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो, हमारे सभी देवताओं पे हथियार है। एक में शत्रु होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र शत्रु का संतुलन बना के छोड़ो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।